वेलकम टू जेवी किचन। आज मैं बना रही हूँ तिल के लड्डू जो बहुत हेल्दी होते हैं। ये है एक कटोरी तिल, सफेद तिल, एक छोटा कटोरी गुड़, एक चम्मच घी, घी आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं कम या ज़्यादा, और एक चम्मच इलायची पाउडर। आइए अब हम पहले तिल को भून लेते हैं। अब हम तिल ये पैन में डालेंगे। तिल को हम थोड़ा चटकने देते हैं, लाइट ब्राउन होने तक इसको भूनते हैं। करीब 3 से 4 मिनट इसको भूनेंगे। अब ये तिल भून गए हैं, मैं इसको एक अलग बाउल में निकाल के रख लेती हूँ। करीब 3-4 मिनट मैंने भुने हैं, लाइट ब्राउन हो जाए, गोल्डन ब्राउन। एक पैन में हम घी डालेंगे, देसी घी। और उसमें हम गुड़ डाल देंगे। करीब 1 चम्मच हम पानी भी ऐड कर देंगे, सिर्फ 1 चम्मच। और इसको अच्छे से चलाते रहेंगे। अच्छे से गुड़ मेल्ट हो गया है अच्छे से। करीब 2-3 मिनट इसको अच्छे से चलाना है। थोड़ा सा ये तो थिक होने लगे तो इसमें हम इलायची पाउडर ऐड कर देंगे। साथ में हम ये जो भुने हुए तिल थे उसको भी हम ऐड कर देंगे। और हम गैस बंद कर देंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, हल्का गर्म होना चाहिए। इसको देखती हूँ, थोड़ा सा और मिक्स करें इसको। अब हम थोड़ा सा हाथ पे पानी लेके इसके छोटे छोटे लड्डू बनाएंगे। पानी इसलिए लेते हैं कि ये चिपके नहीं हाथ और आसानी से लड्डू बन जाए।
ये देखिए कितनी आसानी से ये लड्डू बन रहे हैं, हेल्दी भी और टेस्टी भी। ये देखिए लड्डू आसानी से बन रहे हैं। ये देखिए इसको ज्यादा देर नहीं रखना है क्योंकि गुड़ है इसमें, तो ये टाइट हो जाएंगे, हार्ड हो जाएगा तो फिर लड्डू बनने मुश्किल हो जाएंगे। इसलिए आप हल्के से गर्म हो पानी लगा के आसानी से ये बनते चले जाएंगे। ये लीजिए आपके लिए गुड़ तिल के लड्डू रेडी हैं। जाड़ों में हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छे रहते हैं, इसको कोई भी खा सकता है।